राजकोट के गेमिंग जोन में हुए अग्निकांड के बाद अब पुलिस अधिकारियों पर एक्शन शुरू हो चुका है। मामले में शहर के टाउन प्लानिंग ऑफिसर समेत चार सरकारी अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में चुनाव से पहले पैसे बांटने की सूचना पर पुलिस ने निजी होटल में छापा मारा। छापेमारी के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते नजर आ रहे थे। कार्रवाई से नाराज कार्यकर्ताओं की पुलिस से नोकझोंक हुई है। लखनऊ में डकैती की प्लानिंग कर रहे बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद एक बदमाश गिरफ्तार हुआ। लखनऊ में एक जिम के मालिक के घर पर डकैती की योजना बनाई जा रही थी। हरियाणा के चरखी दादरी में पानी और बिजली की समस्या से नाराज होकर लोगों ने सड़क जाम कर दी। प्रशासन की अनदेखी का आरोप लगाते हुए लोगों ने कई घंटों तक ट्रैफिक को रोके रखा था। रूस में हमला करने के लिए यूक्रेन को अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल की हरी झंडी मिल गई। यूक्रेन की आत्मरक्षा को ध्यान में रखते हुए बाइडेन ने यह फैसला किया। हालांकि एक दिन पहले ही अमेरिका ने रूस पर हमले के लिए उनके हथियारों के इस्तेमाल पर एतराज जताया था। राफा में मदद पहुंचाने के लिए अमेरिका को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। अमेरिका के मुताबिक खराब मौसम और इसराइल की स्ट्राइक की वजह से हवा के जरिए मदद पहुंचाना संभव नहीं। सीरिया के राष्ट्रपति असद ने ईरान के सुप्रीम लीडर से मुलाकात की। ईरान के राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने दोनों देशों के मजबूत रिश्तों की वकालत की। मेक्सिको में चुनाव प्रचार के दौरान मेयर प्रत्याशी की गोली मारकर हत्या की गई। स्थानीय मीडिया के अनुसार चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें सर पर गोली मारी गई। हमले से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं। चीन ने अपने लॉन्च पैड से पाकिस्तान की सैटेलाइट लॉन्च की। ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। लॉन्चिंग के बाद सैटेलाइट अपने निर्धारित ऑर्बिट में पहुंच गई।